हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज सबको टेस्टी लगते हैं और इसका नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। आज हम फ्रेंच फ्राइज आलू के ना बनाकर लौकी के बना रहे हैं और खाने पर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये आलू के नहीं है। इसके लिए लगभग 400 ग्राम्स लौकी लेकर उसका छिलका उतारकर पानी में डिप करके रखेंगे। ऐसा करने से इसका कलर नहीं चेंज होता। फ्रेंच फ्राइज बनाने से पहले हम लौकी का छोटा सा पीस कट करके टेस्ट करेंगे। ये कड़वी नहीं होनी चाहिए, तभी हम फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। टेस्ट करने के बाद इसको पतला लंबा काटेंगे। इस तरह की कटिंग करने के बाद 1/4 कप राइस पाउडर, 3/4 कप बेसन, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। मैं नमक यहाँ 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स डाल के अच्छी तरह सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। लौकी को पानी से निकाल के इसको मिक्सचर से कोट कर देंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने मिक्सचर में थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना, क्योंकि लौकी में पानी होता है। अगर हम इसमें पहले ही पानी डाल देंगे तो बैटर पतला हो जाएगा और लौकी को वो कोट नहीं करेगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2-2 चम्मच पानी डालेंगे। बैटर को थोड़ा सा ही पतला करना है ताकि लौकी अच्छे से कोट हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस करो, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको भी मिले। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। एक पैन में रिफाइंड ऑयल को गरम कर लेंगे। अब गरम तेल में कोटेड लौकी का एक पीस डाल के फ्राई करेंगे, ताकि हमें तेल का टेम्परेचर पता चल जाए कि ये फ्राई करने के लिए ठीक है। अच्छे से फ्राई होने पर इसे बाहर निकाल लेंगे। अब कोटेड लौकी का एक एक पीस बड़े आराम से कढ़ाई में डालेंगे, ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े ना। फ्राई करते टाइम फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अच्छे से फ्राई होने पर इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी के फ्रेंच फ्राइज भी तैयार कर लेंगे। अब इनके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। देखो कितने क्रिस्पी बने हैं। दस मिनट में ही हमने फ्रेंच फ्राइज तैयार कर लिए हैं। अब हमारे फ्रेंच फ्राइज सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी डिप के साथ इंजॉय कर सकते हो। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप भी इस डिलीशियस रेसिपी को जरूर ट्राई करोगे। अब जल्दी से वीडियो के नीचे लाइक बटन को भी प्रेस कर दो और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दो। मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर देना। मैं जल्दी ही एक और नई डिलीशियस रेसिपी के साथ मिलूंगी। थैंक यू।